दोस्तों आज के वीडियो में Samsung Galaxy S21 FE5G का कैमरा सेटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये कैमरा शो हो रहा है, ये अल्ट्रा HD 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये इसका कैमरा है। जूमिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग 10x जूमिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 10x में। दोस्तों आप लोग को कैमरे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर 0.5x पर सिलेक्ट है, मतलब अल्ट्रा वाइड होता है। यहाँ पर बीच लॉन्ग प्रेस करेंगे जिससे ब्राइटनेस एक लेवल में आ जाए। यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे जो लाइट होती है वो कम ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ से एक फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ़ोटो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसा कि जूम करके दिखाते हैं कितनी क्लियर पिक्चर आई हुई है। इस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मोशन फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही कैमरे को आप ऊपर नीचे करते हैं, उसके बाद फ़ोटो को जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नीचे होकर एग्जैक्ट फ़ोटो को क्लिक किया है। और यहाँ से आप लोग फ़िल्टर को भी चूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कौन सा फ़िल्टर रखना चाहते हैं। सेकलोली है, यहाँ बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, करेंगे उसके बाद यहाँ पर कितना आप फेस को क्लीन रखना चाहते हैं, 3 पे रखना चाहते हैं या 2 पे रखना चाहते हैं। 2 पे रखना चाहते हैं, 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे बैक यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो को जो मैंने अभी क्लिक किया, 1x पर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेन कैमरे से ये लिया गया है। इस तरीके से फ़ोटो देखने के लिए आपको मिलती है। और यहाँ से बैक करके आपको दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो इसका रेशियो होता है फ़ोटो खींचने का, इसे हमने फुल कर दिया है। फुल पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इसे लॉक करेंगे, उसके बाद फ़ोटो को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर फ़ोटो को देख सकते हैं, ये मैंने फुल पर क्लिक किया है फ़ोटो। इस तरीके से आप लोग जूम कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप दूर से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो। और यहाँ पर लाइट का दिया हुआ है, जो फ्लैश लाइट आप रात में इस्तेमाल करते हो, सेटिंग पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपका कलर होता है और ब्राइटनेस होता है, ये सब कुछ एकदम अच्छे से स्मूथ कर देगा, मतलब देखने में आपकी फ़ोटो अच्छी लगेगी। पहला वाला ऑप्शन हो गया स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट, इसे आपके डॉक्यूमेंट्स के स्कैन भी कर लेगा और साथ ही जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। स्कैन QR कोड, आप लोग QR कोड को भी यहीं से स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट सजेस्ट इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्वाइप शटर बटन 2, यहाँ से आप लोग क्रिएट गिफ्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप लोग छोटा वीडियो मतलब गिफ्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ से हम बैक करेंगे और आपको बताते हैं, जैसा कि वाटर मार्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वाटर मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोन का वाटर मार्क होता है यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे लिखा हो Samsung Galaxy S21 FE5G। और यहाँ पर मैंने एडिट करके विकास भी लिख रखा है, इसे यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ से बैक करेंगे। और यहाँ पर एडवांस पिक्चर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। हाई एफएनसी पिक्चर, अगर आप इसे ऑन करते हैं, हाई एफएनसी मतलब कि हाई क्वालिटी में आपके फ़ोटो को ये HEIF में आपको फ़ोटो क्लिक करके देता है। और यहाँ पर रॉ कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहीं से आप लोग रॉ भी बना सकते हैं जिससे आप लोग लाइट रूम में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे। सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू, इसे आप लोग को ऑन कर देना है। ऑन करने से ये होता है आपकी फ़ोटो जो उल्टी आती है सीधी आने लगती है। जैसा कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्लिक किया और यहाँ पर फ़ोटो दिखाने का ऐसी आई हुई है। यहाँ देख सकते हैं जो बार था इस तरफ था, अब ये इस तरफ हो चुका है, मतलब उल्टा हो चुका है। इसे सही करने के लिए आप उस सेटिंग को ऑन करना होगा जो मैंने आपको बताया, सेव सेल्फीज एंड प्रीव्यू, इसे ऑन कर देना है। आते हैं जैसा वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसे आप लोगों को ऑन कर देना है। अगर आप वीडियो बनाते हैं आपका कैमरा हिलता है तो बहुत ही स्मूथली ये वर्क करता है। और यहाँ पर एडवांस वीडियो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि HDR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे भी ऑन कर देना है। और यहाँ पर लोकेशन टैग, इसे भी ऑन कर देना है। ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है आपके जो फ़ोटो पर होता है ग्रिड लाइन बन जाता है, इससे आपका जो ब्राइटनेस होता है चारों तरफ से अच्छा दिखाई देता है। इसे हम ऑफ कर देंगे। लोकेशन एंड टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे भी ऑन कर देना है। और यहाँ पर शूटिंग मेथड, यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम बटन 2, यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि अपने साउंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर हम जूम करना चाहते हैं, यहाँ से जूम इन आउट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक करेंगे।
और आपको बताते हैं पोर्ट्रेट के बारे में। यहाँ से अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका पोर्ट्रेट का लेंथ होता है, जैसा कि मैं 4 पर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर 4 पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फेस को भी आप स्किन स्मूथ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो भी हो रहा है। यहाँ पर हम 3 पर रखेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं जो यहाँ का ब्लर है कैसा दिखाई दे रहा है, और स्किन भी देख सकते हैं कितना स्मूथ यहाँ पर आया हुआ है। इस तरीके से आप इसे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर डबल आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में साथ में फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर आप सिंगल हो सिंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सिंगल फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पर बताते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रो मोड में आते हैं, ये फ़ोटो जो होती है प्रो मोड में होती है। यहाँ से आपको दिखाते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है। तो यहाँ से जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं डंडा लिया है और हाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे फ़ोटो क्लिक करेंगे और जूम करेंगे कि कैसा यहाँ पर जो ब्लर है कैसा आ रहा है। यहाँ से जूम करके आप लोग देख सकते हैं कैसा शो हो रहा है। यहाँ पर प्रो वीडियो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से ये होता है आपका जो वीडियो होता है बैकग्राउंड ब्लर होता है, बट आपका जो वीडियो बनाने का होता है वो एकदम आपको सब्जेक्ट दिखाई देता है। इस तरीके से आप लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे रात के समय में आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर फूड का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर सुपर स्लो मोशन है। मतलब सुपर स्लो मोशन का आप मतलब ये होता है जैसा कि तो कोई व्यक्ति आगे होना चाहिए, अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसे स्मूथली आपको दिखाएगा अगर आप बनाते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैं बहुत ही यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो था नहीं इसलिए वीडियो नहीं बनी थी। और यहाँ पर स्लो मोशन दिखाते हैं, वो तो सुपर मोशन था या स्लो मोशन है। यहाँ से आगे करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने कर लिया है, और यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा है जो आपका स्लो मोशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसा शो हो रहा है। यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ से मोर वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पोर्ट्रेट वाले वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो पोर्ट्रेट वीडियो वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड में ब्लर दिखाई दे रहा होगा। जैसे DSLR से वीडियो शूट होता है पीछे ब्लर दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ से आपको ब्लर दिखाई देगा। कुछ अच्छा लगता है वीडियो देखने में, तो आप लोग अगर स्टैंड में बनाएंगे तो ज़्यादा ही बेटर लगेगा। अपने हिसाब से आप ब्लर भी सेट कर सकते हैं। तो और बताते हैं आपको सेटिंग। और यहाँ पर जैसा HD वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अल्ट्रा HD पर क्लिक करेंगे, 60 FPS पर। 60 FPS पर ये होता है अगर आपका कैमरा हिलता है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। 60 FPS पर हमेशा रखना चाहिए। ये अल्ट्रा HD मतलब फुल HD है, मतलब 4K जिसे कहते हैं, ये होता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैमरे को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, देख सकते हैं कैसा हिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और उतना बुरा भी नहीं हिल रहा है, दिखाई दे रहा है। चारों तरफ का सीन देखिए कुछ इस प्रकार से शूट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से जूम भी कर सकते हैं आप वीडियो में, 10x की जूमिंग कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये 10x जूमिंग किया है वीडियो में, और फोटो में तो 30x जूमिंग होता है। यहाँ पर इसे सामने का भी कैमरे को फुल HD 60 FPS पर करेंगे, यहाँ पर सामने के भी कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। और मैं यहाँ पर मैं दौड़ रहा हूँ, इसे स्टेबलाइजेशन मैं चेक कर रहा हूँ कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ से देख सकते हैं मैं अभी चल रहा हूँ, तब भी आप लोग देख सकते हैं कैमरा हिल रहा है, पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है जो मैं दिखाई दे रहा हूँ। और यहाँ से बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं बाहर का कुछ इस प्रकार से। यहाँ से फ़ोटो का आप लोग जूम देखिए कितना होता है। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, एक गाय आगे है, यहाँ से जूम करता हूँ। यहाँ पर 30x जूमिंग 1 टाइप करना है, जिससे आपका जो ब्राइटनेस है वो अच्छे लेवल में आ सके। इस पर क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जूम करेंगे थोड़ा, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा फ़ोटो शो हो रहा है। और ये अल्ट्रा वाइड है 0.5x, यहाँ से अल्ट्रा वाइड का कैमरा आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक करके। ये पोर्ट्रेट 3x पर है, यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं साइड ब्लर है, और साथ ही यहाँ पर आपको सामने सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ से बैक करेंगे और आपको फ़ोटो दिखा देते हैं जितने मेरे फ़ोटो सैंपल्स हैं।
तो दोस्तों ऐसा कुछ इसका फ़ोटो था जिसे मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से आप लोग इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।